सुखिया ट्रेनों में चने बेचता था। ए चना खा लो, चना ए खट्टा मीठा चना ए, साहब चना खाओगे क्या? ऐसे ही सुखिया का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन सुखिया लास्ट ट्रेन में चने बेचकर घर गया और देखा वहाँ पहले से ही सेठ उसका इंतजार कर रहे थे। आइए आइए सुखिया जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। सेठ, क्या बात है सेठ, इतनी रात को मेरे घर पे? आपका घर? ओहो हो, ये आपका घर है क्या? होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये घर तो मेरा होने वाला है। तूने मुझे आज इंतजार करवाया, हा? बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। क्षमा कर दीजिए सेठ, मुझसे गलती हो गई। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन था ना, है? मेरे पैसे कहाँ हैं? दे मेरे पैसे, निकाल। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया सेठ। तो फिर घर से निकल, चल अभी निकल, चल। अभी मैं बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगा सेठ, थोड़ी तो दया कीजिए। चल ठीक है, तुझे 2 दिन की मोहलत और दी, 2 दिन के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो ये घर मेरा, समझा? धमकी देकर सेठ चला गया। सुखिया घर के अंदर घुसा, वहाँ उसकी बीवी सरला और 2 छोटी छोटी बेटियाँ चुन्नी और मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ, सेठ ने क्या कहा, वो हमें घर से निकाल देंगे क्या? सेठ ने 2 दिन की मोहलत दी है, लेकिन 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा? मेरी वजह से आज आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो सरला, तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं और क्या करता। अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद सरला की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। उसी वजह से सुखिया को सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा। उसके बदले सुखिया को उसका घर सेठ के पास गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद वो अभी तक पैसा चुका नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते पूरी रात सुखिया सो नहीं पाया। अगले दिन वो चना बेचने के लिए स्टेशन पर चला गया और ट्रेन में चना बेचने लगा। चना ले लिया, चना लिया, खट्टा मीठा चना लिया, चना ले लो साहब। लेकिन 2 दिन में चना बेचकर उसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलने वाले थे। ट्रेन में चना बेचते हुए उसने देखा कि एक आदमी का बटुआ उसकी जेब से थोड़ा सा निकला हुआ है, बटुए में पैसे बहुत हैं। वो देखकर सुखिया अपने आप को संभाल नहीं पाया, उसने बटुआ चुरा लिया, लेकिन उस आदमी को ये पता लग गया। अरे चोर चोर, अरे मेरा बटुआ मार लिया, पकड़ो से पकड़ो से। उस आदमी ने सुखिया को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से स्टेशन पर खींचकर उतार दिया। माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, हम स्वभाव से चोर नहीं है, हम गरीब है मालिक। गरीब है तो क्या हुआ, चोरी करेगा? उस आदमी ने सुखिया को बहुत मारा और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गया। सर, इस चना बेचने वाले ने मेरा बटुआ चुराने की कोशिश की, आप कुछ कीजिए इसका, स्टेशन मास्टर ने कहा। सुखिया, ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने चोरी की? माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। नहीं सुखिया, चोरी की माफी नहीं मिल सकती, सजा तो भगतनी ही होगी। आज के बाद तुम इस स्टेशन पर कुछ नहीं बेच सकोगे। सुखिया बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसे स्टेशन से निकाल दिया गया। अब उसके पास काम भी नहीं रहा। वो घर गया और सरला से सब कुछ बताया। उसकी दोनों बेटियां रोने लगी। पापा, क्या हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, क्या हमें भीख मांगनी होगी? रो मत बेटी, माफ कर दे मुझे, मैं बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाया। अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर सुखिया और सरला सिसक सिसक कर रोने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सेठ अपने लोगों को लेकर चले आए और सुखिया को परिवार समेत घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हो गया रे, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, चल निकल जाए यहाँ से। हम मर जाएंगे सेठ, हम मर जाएंगे। हाँ तो मर जा, किसने मना किया है, वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम लोग। सुखिया अपनी बीवी और बच्चियों को लेकर वहाँ से चला गया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं। बाबा, हमें घर तो मिल जाएगा ना? घर मिलना तो मुश्किल है बेटी, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। सुखिया उन्हें लेकर स्टेशन के पास ही आ गया। स्टेशन से थोड़ी ही दूर पटरी पर एक पुरानी ट्रेन की कुछ बोगियां खड़ी थी। सुखिया ने वो देखा और कहा, चल बेटी चलो सरला, उस ट्रेन के पास चलते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर घुसेंगे कैसे, दरवाजे तो बंद है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहेंगे हम। सुखिया अपनी बीवी और बेटियों को लेकर ट्रेन की बोगियों के पास चला गया। सरला घर से कुछ ही चीजें ला पाई थी, उन चीजों में कुछ बोरे थे। उन्होंने ट्रेन के नीचे पटरी पर बोरे बिछा दिए और वहीं पर बस गए। चलो अच्छा है, बारिश वारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं। बेबस इंसान थोड़ी सी उम्मीद में ही जीता है, लेकिन सुखिया के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर भी रहने की जगह तो मिल गई,
लेकिन वो अपने परिवार को क्या खिलाता। ट्रेन के नीचे पटरी पर जगह तो मिल गई, लेकिन मैं स्टेशन पर और चने नहीं बेच सकता। स्टेशन पर जाने से ही मुझे मना कर दिया है। कोई बात नहीं जी, मैं दोनों बेटियों को लेकर भीख मांगूंगी, उसी से कैसे भी करके पेट तो चल जाएगा। हाँ बाबा, हम भीख मांग लेंगे, भीख मांग कर पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। सरला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सच में स्टेशन पर भीख मांगने लगी और सुखिया इधर उधर कुछ काम पाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही ट्रेन के नीचे उनका दिन बीतने लगा, लेकिन सुखिया को कहीं पर भी काम नहीं मिला। हर जगह ये रट गया था कि सुखिया बटुआ चोर है, इसीलिए कोई भी सुखिया पर भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो पटरी पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उधर उसकी बीवी और बेटियां भीख मांग रही थी। तभी स्टेशन पर सेठ अपनी माँ को लेकर आया और सरला को भीख मांगते हुए देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसी के लायक हो, ये लो 2 रुपए। सेठ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सेठ की माँ बीमार थी, इसीलिए सेठ उन्हें लेकर शहर के अस्पताल में जा रहे थे, इसीलिए वो स्टेशन पर आए थे। लेकिन अचानक से उनकी माँ का पैर फिसल गया और वो पटरी पर गिर पड़े और उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी। माँ माँ, अरे अरे क्या हुआ आपको माँ? सेठ भी खुद पटरी पर उतरने से डर रहे थे। ट्रेन बहुत पास आ गई थी, सभी ने आग बंद कर ली। लेकिन तभी सुखिया दौड़ते हुए आया और सेठ की माँ को पकड़ कर प्लेटफॉर्म पर उठा दिया, लेकिन खुद पटरी से हटने से पहले ट्रेन ने उसे धक्का मार दिया। सुखिया का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ दाहिना पैर ही टूटा, वो जान से नहीं मरा। और ये देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी माँ को बचाया, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया रे, लेकिन तू तो अच्छा आदमी निकला। उन्होंने अपने पैसों से सुखिया का ट्रीटमेंट करवाया और उसे घर भी वापस दे दिया, साथ में उसे जमीन जायदाद और अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। इस तरह सुखिया की जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई को सिर्फ अच्छाई ही मिटा सकती है। भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी, इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहाँ भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूँ। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियाँ रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, ये गुब्बारा ले लो भैया। हेलो, ये गुड़िया कितने की थी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो। भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ा कर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं किसके सहारे जीऊंगी, आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए, बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन सूरज, तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है इसलिए तुम दोनों यहीं रहना, मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले, मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी। ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है।
ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चलाया जाता, जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज, जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माजी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है, इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा, तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राजरानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो, एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राजरानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राजरानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राजरानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं, क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो? ममता राजरानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। ममता राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आपबीती सुनाती है, जिसे सुनकर राजरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूँ, अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है, वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राजरानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए, मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए, आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है, क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा, हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती है, बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता महेंद्रनाथ के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किए।